हे गाइस, नैतिक एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एमएस धोनी फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाली दिशा कभी अपनी फिल्म तो कभी अपने बोल्ड लुक को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। खबरों के अनुसार दिशा बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। कई बार तो दोनों को साथ में देखा गया है, लेकिन दोनों अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात करने से कभी नहीं कतराते हैं। कई बार दिशा और टाइगर को ये कहते हुए सुना गया है कि उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। बागी 2 में दर्शकों को दोनों की जोड़ी काफी पसंद आई थी, जिसके बाद ये दोनों बॉलीवुड के एक क्यूट कपल कहे जाने लगे। हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म करने के बाद से उनके करियर को एक और नई पहचान मिली है। फिल्म भारत में दिशा एक अहम भूमिका में नजर आई है। फिल्म में वो सलमान खान की अपोजिट नजर आ रही हैं। फिल्म में दिशा के अलावा कैटरीना कैफ, तब्बू और सुनील ग्रोवर काफी अहम भूमिका में नजर आए। फिल्म से दिशा पटानी और सलमान खान का गाना स्लो मोशन लोगों को काफी पसंद आया है। इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि फिल्म के प्रमोशन में सिर्फ सलमान और कैटरीना ही हर जगह साथ नजर आए। फिल्म की स्टार कास्ट कहीं भी प्रमोशन के दौरान नजर नहीं आई, लेकिन अब फिल्म भारत को लेकर दिशा पटानी की नाराजगी सामने आई है। खबरों के अनुसार दिशा फिल्म भारत को लेकर कुछ नाराज चल रही है। दरअसल दिशा कैटरीना कैफ की बहुत बड़ी फैन है। खबरों के मुताबिक दिशा का फिल्म में कैटरीना के साथ एक भी सीन नहीं था। और तो और फिल्म की शूटिंग और टाइम अलग होने के कारण उन्हें कैटरीना से मिलने का मौका भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि वो थोड़ी सी नाराज हैं। इससे पहले भी सलमान की उम्र उनसे काफी ज्यादा होने की वजह से दिशा ने भविष्य में सलमान के साथ कोई भी फिल्म करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि सलमान खान भी उनसे खफा हैं। दिशा का फिल्मी करियर अभी तक काफी अच्छा रहा है। एमएस धोनी और बागी 2 जैसी हिट फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिशा पटानी के करियर के लिए भारत एक बहुत बड़ी फिल्म रही है। फिलहाल दिशा मोहित सूरी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म मलंग में काम कर रही हैं, जिसमें उनके अपोजिट आदित्य रॉय कपूर दिखाई देंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।